पंजाब में पुलिस का कमांडर तब्दील। अमजद जावेद सलीमी ने इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब का चार्ज संभाल लिया। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में खुसूसी तकरीब। नए आईजी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। अमजद जावेद सलीमी के सलामी के चबूतरे पर तन्हा। फारिग होने वाले आईजी मोहम्मद ताहिर दफ्तर में ही बैठे रहे। रवायात से हटकर अपने पेश रोका का इस्तेमाल किया ही नहीं, ना ही तकरीब में शिरकत की। मोहम्मद ताहिर ने तकरीब में शिरकत ना करके बहुत से सवालात को जन्म दे दिया। अफसरान को लगाना और हटाना हुकूमत का काम है, हमारा काम खिदमत करना है। मौजूदा हुकूमत पुलिस में इस्लाहात चाहती है। अवाम की सहूलत को मद्देनजर रखकर इस्लाहात लाएंगे। आईजी पंजाब अमजद जावेद सलीमी की ओहदे का चार्ज संभालने के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बोले, मंशा बम जैसे बहुत से बम हैं, सबको गिरफ्तार करेंगे। आम इंतखाबात में 12 बजे नतायज आए, जिमनी इंतखाबात में 6 बजे नतायज शुरू हो गए। देखना है कि फर्क क्या है। ख्वाजा साद रफीक पहले भी कामयाब हुए थे, सरदार अयाज सादे। ख्वाजा इमरान नजीर कहते हैं अवाम ने जाली तब्दीली और वजीर आजम को मुस्तरद कर दिया। लाहौर का कब्जा माफिया मंशा बम गिरफ्तारी देने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। खानदानी बंदा हूँ, किसी की जमीन पर कब्जा नहीं किया। पुलिस से छुपके चीफ जस्टिस के सामने पेश होने आया हूँ। मंशा बम की गुफ्तगू। तफ्तीश करो तस्लील नहीं, साबिक वाइस चांसलर डॉक्टर मुजाहिद कामरान की गिरफ्तारी और हथकड़ियां लगाकर पेश करने पर असातिजा और तलबा सड़कों पर आ गए। पंजाब यूनिवर्सिटी एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन और तलबा की नैब के खिलाफ रैली। मुजाहिद कामरान की गिरफ्तारी के मामले पर एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन में फूट। तंजीम के इजलास में असातिजा में तल्ख कलामी। असातिजा दो धड़ों में तकसीम। एक एहतजाज करने का हामी, दूसरे ने मुखालफत कर दी। एहतजाज करने वाले वही असातिजा हैं जो मुजाहिद कामरान के दौर में मुस्तफीद हुए। एक धड़े का मौकफ, नैब ने ज्यादती की, जब तक मुआफी नहीं मांगी एहतजाज जारी रहेगा। दूसरा धड़ा। काम चोरी की सजा, लंबे अरसे से ड्यूटी से गायब रहने वाले जनरल अस्पताल के 31 मुलाजमीन नौकरियों से फारिग। मुलाजमीन में चौकीदार, वार्ड सर्वेंट, लिफ्ट ऑपरेटर और दीगर शामिल। मुसलसल 2 साल गैर हाजिर रहने पर मुलाजमीन को फारिग किया गया। इंतजामिया। बच्चों की लड़ाई में बड़ा कत्ल, पिंडी स्टॉप के रिहायशी 50 साल मोहम्मद अकरम के कत्ल पर वरसा का लाश सड़क पर रखकर एहतजाज। मुजाहरीन ने टायरों को आग लगाकर सड़क ब्लॉक कर दी। ट्रैफिक निजाम दरहम बरहम। पुलिस की जानिब से मुलजिमान की जल्द गिरफ्तारी की यकीन दहानी पर मुजाहरीन ने एहतजाज खत्म किया। टीएमए वाहगा शालामार, महकमा आपाशी कस्टम समेत बिजली का लाखों का बिल ना देने वाले 15 नादहिंदगान सरकारी इदारों के कनेक्शन मनकथा। लेस्को ने 7 लाख रुपए वाजिबुल अदा होने पर थाना मुगलपुरा को नोटिस जारी कर दिया। निहारी मुर्ग चने सिरी पाए, जो बनाए साफ सुथरा बनाए, वरना कार्रवाई के लिए तैयार रहे। पंजाब फूड अथॉरिटी का हफ्तावार नाश्ता प्वाइंट चेकिंग मुहिम का दूसरा रोज। 7 मारूफ नाश्ता प्वाइंट सील कर दिए। मलिक निहारी, सनम मुर्ग चने, अल फजल कैपरी, फजले हक और दूसरे फूड प्वाइंट बंद कर दिए गए। लाहौर हाई कोर्ट ने ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक की जमानत कबलज गिरफ्तारी मंजूर कर ली। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने नैब को 24 अक्टूबर तक गिरफ्तारी से रोक दिया। पैरागॉन सिटी हाउसिंग स्कैंडल में गिरफ्तारी के डर से ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक ने हाईकोर्ट से रुजू किया था। नैब ने कल ख्वाजा बरादरान को तलब कर रखा है। खबरदार होशियार, हेलमेट की पाबंदी का होगा अब शहर भर में नफाज। लाहौर हाई कोर्ट ने हर सड़क पर हेलमेट की पाबंदी पर अमल दरामद करवाने का हुक्म दे दिया। अदालत ने खिलाफ वर्जी पर अब तक होने वाले जुर्मानों की तफसीलात भी तलब कर ली।
पानी का बहरान संगीन हो गया। पंजाब की नहरें कल से 15 रोज के लिए बंद करने का फैसला कर लिया गया। लाहौर शहर की नहरों को 21 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक बंद किया जाएगा। काश्तकारों की मुश्किलात भी बढ़ने का इम्कान। इजलास की पैदावार कम होने का खतरा। फैसला रबी सीजन में पानी की तलब पूरी करने के लिए किया गया है। कंसल्टेंट एरीगेशन MH सदीकी। नैब में गिरफ्तार अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की कल फिर एहतसाब अदालत में पेशी। हमजा शहबाज की जेर सदारत मॉडल टाउन में लीगी अराकीन असेंबली का इजलास। तमाम अराकीन अपने साथ कारकुनान को लेकर कल एहतसाब अदालत पहुंचे। हमजा शहबाज शरीफ ने हदायत कर दी। पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद का मामला। सेशन कोर्ट ने सूबाई वजीर महमूद रशीद के बेटे की अबूरी जमानत में 23 अक्टूबर तक तौसी कर दी। अदालत का थाना खालिब मार्केट पुलिस को तफ्तीश मुकम्मल करने का हुक्म। जैनब के कातिल मुजरिम इमरान की खानदान से आखिरी मुलाकात का परवाना जारी। मुलाकात कल दिन 12 बजे कोर्ट लखपत जेल में करवाई जाएगी। जैनब के वालिद मोहम्मद अमीन अंसारी का एक मरतबा फिर मुजरिम इमरान को सरेआम फांसी देने का मुतालबा। वजीर आजम और सदर पाकिस्तान मुजरिम को सरेआम फांसी के लिए अपना किरदार अदा करें। मोहम्मद अमीन अंसारी। मुजरिम को सरेआम फांसी देने के लिए दायर दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। हाईकोर्ट ने होम सेक्रेटरी से कल वजाहत तलब कर ली। मिशन क्लीन लाहौर को स्टॉप लग गया। 5 रोज गुजर गए, ऑपरेशन दोबारा शुरू ना हो सका। आज लियाकत चौक, डेरा और नीलाम घर में होने वाला ऑपरेशन भी मुलतवी। जिमनी इलेक्शन के बायस ऑपरेशन को आरजी तौर पर मुअत्तल किया गया था। नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबा। लाहौर समेत पंजाब के मजीद 10 शहरों को मंसूबे में शामिल करने का फैसला। रजिस्ट्रेशन के लिए दरखास्तें आइंदा साल के आगाज में वसूल की जाएंगी। पायलट प्रोजेक्ट के साथ साथ मजीद 10 शहरों में तैयारी की जा रही है। वजीर हाउसिंग मियां महमूद रशीद। लाहौर नॉलेज पार्क की जगह इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बनेगी। नई हुकूमत ने अहम फैसला कर लिया। नॉलेज पार्क मंसूबा शहबाज शरीफ ने 2010 में शुरू किया। दुनिया भर की मशहूर जामियात को कैंपसेस खोले जाने थे। 7 साल गुजरने के बाद भी किसी जामिया ने नॉलेज पार्क में कैंपस नहीं खोला। पंजाब असेंबली का बजट इजलास कल होगा। सूबाई वजीर खजाना मखदूम हाशिम बख्त बजट पेश करेंगे। सूबाई काबीना का इजलास भी तलब। वजीर आला सरदार उस्मान बुजदार इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में मुतादिद मंसूबों की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। वजीरे सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने इंसदादे खसरा मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। 15,000 टीमों ने काम शुरू कर दिया। 1 करोड़ बच्चों को घर घर जाकर और तिब्बी मराकज में हिफाजती टीके लगाने का हदफ। इससे बड़ी मुहिम पहले कभी नहीं चलाई गई। डॉक्टर यास्मीन राशिद। डीसी अनवारुल हक ने 4 माह की ताखीर के बाद लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का नया बोर्ड तश्कील दे दिया। किसी सियासी शख्सियत को ओहदा ना मिल सका। बोर्ड की तश्कील में ताखीर के बायस कंपनी 4 माह से कोई बड़ा फैसला नहीं कर सकी। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज चूंग में ट्रैफिक वार्डन्स के लिए तरबियती प्रोग्राम। CTO मलिक लियाकत और 800 से ज्यादा वार्डन्स की शिरकत। मारूफ अदाकार सोहेल अहमद बतौर मेहमान खुसूसी तकरीब का हिस्सा बने। और मारूफ लोक गुलुकार अताउल्लाह ईसा खेल भी तबीयत खराब होने पर नेशनल अस्पताल मुंतकिल। गुलुकार के पित्ते में पथरियां हैं, डॉक्टर्स कल ऑपरेशन करेंगे। जरा